हर मुस्लिम लड़का हर अब्दुल अच्छा नहीं होता एंड हर मुस्लिम लड़की अच्छी नहीं होती फॉर मैरिज. आई एम नॉट गेटिंग योर दैट पॉइंट. Once again, that is the absolute point because I was a Muslim and I can tell you that it's not about अच्छा नहीं होता. देखिए मैंने कभी ये लफ्ज़ नहीं कहा. I am also Muslim. Okay, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं होता. You need to understand that point. That's a very important point. वो मुस्लिम जो है वो इस्लामिक तरीके से चलेगा. हिंदू, क्रिश्चियन, एथियस सारे के सारे समझते हैं कि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर मुस्लिम है वो सेक्युलर हो चुका है और वो हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक चलेगा. प्रॉब्लम इज कि जैसे ही बच्चे पैदा होंगे वो कभी भी आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं चलेगा. एंड सेकेंडली जैसे ही बेटी पैदा होगी उस वक्त तो वो हरगिज आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं चलेगा. आई वॉज अ मेल, आई वॉज अ मुस्लिम, आई नो व्हाट आई एम सेइंग. मैं उस वक्त तक सेक्युलर रह सकता था जिस वक्त तक मैं मर्द हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है. मेरी बीवी, ओहो अच्छी बात है यार, मेरी गर्लफ्रेंड, ओहो यार आई एम वेरी सेक्युलर, आई एम वेरी सेक्युलर. और तुम बुर्का नहीं लेती, कोई बात नहीं, और दैट्स ओके, दैट्स ओके. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द चिल्ड्रन, हाँ, सेक्युलरिज्म गोज डाउन द ट्रेन. दैट्स व्हाई मेरा अब्दुल वैसा नहीं है का जो स्टेटमेंट है दैट इज अ स्टूपिड स्टेटमेंट. यस सिस्टर. मैंने एक हिंदू से शादी की है. मेरे जो कुछ ब्रदर्स हैं उन्होंने हिंदू से शादी की है एंड एवरीवन इज़ हैविंग अ गुड लाइफ. मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब व्हेन यू से दिस थिंग कि हाँ मेरा अब्दुल या व्हाटएवर, मेरी फातिमा या मेरी आयशा व्हाटएवर, उसमें पता है क्या होता है कि ना आप उस इंसान को जानते हो ना आप उस इंसान को पहचानते हो. और उस स्टेटमेंट से वो जो बंदे की या बंदी की एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग किसी के साथ होती है उसमें कहीं ना कहीं आप है ना वो बोलते हैं ना गंदगी डाल देते हो. मतलब वो ऐसे होता है ना कि हर इंसान बुरा या अच्छा हो सकता है. वो हिंदू में भी होता है, मुस्लिम में भी होता है या क्रिश्चियन में भी होता है. बट वो इंसान को बिना जाने, मैं ये एडवाइस करूंगी कि अगर किसी को आप एडवाइस कर रहे हो पहले उसे बोलो कि हाँ उस लड़की को मेरे साथ बात करने के लिए लेके आओ, उसे जानो, फिर आप ये स्टेटमेंट दो कि हाँ वो अच्छी है या नहीं है. विदाउट नोइंग आप ऐसे बोल कैसे सकते हो? आपको पता है मेरे जो कजन है, मैं ये खत्म करती हूँ. मेरे जो कजन है ना उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है. वो लड़की और उनकी बेटी है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है. एंड दैट भाभी, शी इज हैविंग सो मेनी लाइक यू नो मेडिकल इश्यूज. वो भाई डजंट मैटर, कांसेप्ट चेंज हो रहा है, वेट करें, होल्ड ऑन. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपने हिंदू लड़के के साथ शादी की आप मुसलमान ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू इस्लाम ए मुस्लिम लेडी कैन नॉट मैरी, कैन नेवर मैरी अ नॉन मुस्लिम मैन. सो वंस अगेन जैसे ही आपने एक हिंदू के साथ शादी की आप मुसलमान ही नहीं हैं. तो मेरी बुक्स में आप मुसलमान ही नहीं हैं. लिहाजा आप मुझे ये जो पार्ट पर आ रही है ना इसके नेक्स्ट वाला वो पार्ट मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि आप मुसलमान ही नहीं हैं. लिहाजा चूंकि आप अब्दुल नहीं रही, आप फातिमा नहीं रही, तो लिहाजा आई कैंट इवन टेक योर वर्ड एज द वर्डिक्ट. नंबर वन. नंबर टू, अगर आपका भाई उसने किसी हिंदू लड़की से शादी की है, ठीक है, वंस अगेन वो शादी कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर उसने कर भी ली है तो उसको उसे मुसलमान बनाना है. नंबर तीन, अगर वो नहीं बनाता, सो कॉल्ड सेक्युलर है, जब उसकी बेटी पैदा होती है वो उसको हिंदू टेम्पल में ले जाके वहां पे अलाउ करेगा. उसके बाद मेरे पास आइएगा विद एविडेंस, मैं आपकी बात मानूंगा, उससे पहले नहीं मानूंगा. नंबर थ्री, आप हो सकता है, विच इज वेरी वेरी रेयर, एब्सोल्युटली रेयर, विच इज 0.0001% दैट इट माइट बी पॉसिबल, लेकिन मैं 50-50 का चांस खेल सकता हूं. मैं इतना रेयर चांस नहीं खेल सकता. लिहाजा वो जो बंदा है, वो जो बंदी है, वो हर कोई मेरे चैनल पे नहीं आएगा. आपको पता है प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? कोई भी बंदा जो होता है जो कि एक एक लोगों को बात बता रहा होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ लेके जाता है, एक्सट्रीम लोएस्ट प्रोबेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाता। अगर आप मुझे कहो ना इंडिया के अंदर 1% चांस भी है इस चीज का, तो भी मैं कभी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में उसे नहीं ला सकता, बिकॉज 99% चांस है कि वो दूसरे साइड पे गिरेगा। आपने एक और बात इसमें की थी कि हाउ इज इट पॉसिबल कि सेम धर्म में मैरिज करो तो वो कभी सही रहेगी। इसके ऊपर भी मैंने उसी स्ट्रीम में बोला था उसी बंदे को कि भाई शादी जो होती है वो वैसे एक जुआ होता है। अगर आप सेम आइडियोलॉजी के अंदर भी शादी करो तो आपके पास 50-50 चांस होता है कि शादी सक्सेसफुल होएगी या अनसक्सेसफुल होएगी। ये बात मैंने सेम स्ट्रीम में कही थी, सेम बंदे के साथ कही थी कि भाई इवन शादी टू अ सेम आइडियोलॉजी आपका 50-50 चांस है, एक जुआ है। लेट अलोन कि आप एक इस मुसलमान के साथ कर लो, वहां पे तो चांसेस आपके 1% रह जाते हैं 50% की बजाय। सो मैंने ये तमाम बातें वहां पे कर दी हुई हैं, लेकिन आप एक मुसलमान है ही नहीं क्योंकि आपने एक हिंदू से साथ शादी कर ली। Now it's my turn. जी? Now it's my turn. Obviously, अगर मैं चुप हो गया हूं तो you should know that it is your turn. जब मैंने नहीं किया था this marriage और सेम टाइम मेरे मतलब नाउ जो मेरे हस्बैंड है वो अगर इस स्ट्रीम में आते वो ये पूछते हैं यू विल से कि नहीं हमारी सॉरी मुझे बात समझ नहीं आई आपकी, रिपीट करें इन अ डिफरेंट वे। मुझे आपकी ये वाली स्टेटमेंट समझ नहीं आई, इसको रिपीट करें। बिफोर माय मैरिज, हाँ बिफोर माय मैरिज अगर मेरे हस्बैंड आपके पास आते तो आप यही बोलते कि नहीं मत करो। मैं बिल्कुल यही बोलता हूं, एब्सोल्युटली। हां and I am in that relation from like last 12 years और जो मेरी भाई है भाभी is Muslim, उन्होंने forget your भाभी, talk about yourself right now, ताकि एक बात एक दफा हो ना, पहले एक बात एक दफा ले लें ताकि फिर मैं पहले वो वाली कंप्लीट कर लूंगा फिर दूसरी पे जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट यू। मैं अपना बताती हूँ माय मैरिज लाइफ इज रियली गुड और मुझे ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मुसलमान नहीं है ना। देखिए अगर एज ए मुसलमान, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एज ए मुसलमान आप इस बंदे के साथ शादी में है ना तो इस्लाम के मुताबिक आप जिना कर रही हैं और आपके बच्चे एक हराम की औलाद है। सिंपल, लाइक मैं इससे ज्यादा क्लियर लफ्जों में आपको नहीं बोल सकता। दुनिया के किसी भी स्कॉलर से जाके पूछ लें, किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से, प्लीज मेरी इस बात को बुरा ना मनाइएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा, ठीक है, आप क्योंकि मुसलमान नहीं है लिहाजा आपके बच्चे हराम की औलाद नहीं है, मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं इस्लामिक तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं आपको ये बात कह रहा, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आप दुनिया आलम के, ठीक है, तमाम मुसलमानों में से किसी भी इस्लामिक स्कॉलर को पकड़ लें कि आपने एज ए मुस्लिम लेडी एक हिंदू लड़के से शादी की है, क्या आपके बच्चे इस्लामिकली हलाल के कहलाएंगे या हराम के कहलाएंगे? हर बंदा अगर शुगर कोट किए बगैर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देगा तो आपको यही कहेगा कि आपके बच्चे हराम के कहलाए जाएंगे और ये रिलेशनशिप जिना का रिलेशनशिप कहलाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक डेफिनेशन यू आर नॉट इवन अ मुस्लिम। आपको जब तक उसको मुसलमान नहीं करना था आपको शादी नहीं करनी थी। दिस इज हाउ इट इज। एंड आई एम सॉरी, मैं आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मैं आपके ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, मैं आपको एक सिंपल इस्लामिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसको अपने अगेंस्ट में समझिएगा। एडम, लाइक यू नो आई विल से दैट कि किसी भी इंसान को बिना जाने उसके बारे में जब आप कमेंट करते हो कि नहीं यार तुम्हें इससे शादी नहीं करनी चाहिए, आपकी स्ट्रीम में जितने लोग हैं सब उसके ऊपर टूट जाते हैं। मुझे ये लगता है कि मुस्लिम रिलीजन छोड़ने के बाद यू आर स्टिल फॉलोइंग दैट rigid ideology, like no I am not, I am telling the rigid ideology of Islam। देखिए इस्लाम, ओके चलें, लेट्स सी दैट वन बाय वन। क्या इस्लामिकली as a Muslim female can you marry a Hindu? Okay, क्या होता है कि अगर कोई लड़की या लड़का whatever, अब्दुल या फिर फातिमा whatever, जब भी कोई लड़की अगर लड़के से शादी करना चाहती है, हो सकता है कि वो इस्लाम में हो लेकिन वो 100% वैसी कट्टर ना हो, वैसे फॉलो ना करती हो। There is nothing called कट्टर। नहीं, कट्टर और ना कट्टर होना एक सेपरेट चीज है। मैं आपको बता रहा हूं जैसे ही आप शादी करती हैं एज ए मुस्लिम टू अ हिंदू यू आर नॉट इवन अ मुस्लिम। मुझे सिंगल एक मुझे 10 स्कॉलर्स नहीं दें, मुझे एक मुफ्ती दे दें पूरी दुनिया या आलम का, चाहे वो मलेशिया का हो, इंडिया का हो, अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, सऊदी अरेबिया का हो, मिस्र का हो, पूरी दुनिया इस्लाम से एक मुफ्ती दे दें जो कह दे कि हाँ एक मुसलमान लड़की एज ए मुसलमान एक हिंदू से शादी कर सकती है। 1, 2 नहीं 1। ठीक है, आपकी स्ट्रीम में बहुत सारे लोग आए होंगे, उसमें से मुझे एक लड़की बता दो जो ये कह दे कि मुझे हिंदू से शादी करके वो मुस्लिम वाला जो टैग है वो भी चाहिए। अगर वो हिंदू से शादी करना तो आप मुसलमान नहीं है ना, राइट? आप एक्स मुस्लिम हो चुकी हैं। सो एज मैंने हमेशा उन्हें कहा है, मैंने हर बंदे को ये बोला है, अगर वो लड़की तुम्हारे लिए इस्लाम छोड़ने को तैयार है तो कर सकते हो, अगर वो इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं है तो नहीं कर सकते। तो आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया, आपने इस्लाम छोड़ा उसके लिए, दैट इज परफेक्टली फाइन। पता है क्या होता है कि कई बार है ना, सिर्फ पेरेंट्स को दिखाने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। ये तो मैं 1000 दफा अपनी स्ट्रीम पे कह चुका हूँ कि आप एक्स मुस्लिम हो जाओ, लेकिन आपको ये बात अपने पेरेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है, अपने मोहल्ले में बताने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली यू आर एक्स मुस्लिम नहीं, so why are you calling yourself as a Muslim? पेरेंट्स के सामने आप मुसलमान रहो मुझे परवाह नहीं है, मोहल्ले के सामने मुसलमान रहो मुझे परवाह नहीं है। नहीं एडम, मेरा कहना ये है कि जब तुम शादी करते हो तो सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए आप कल्चरली कुछ चीजें करते हो, लेकिन एनएस बात आप समझ नहीं। अपने हस्बैंड को जिससे आपने शादी करने से पहले उससे तो बोला होगा ना कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, कि उसको भी नहीं बोला? उसको तो बोला ना, नहीं मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा है, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा। आपने इस्लाम छोड़ दिया है, वरना आप एक जिना के रिलेशनशिप में हैं अगर आप इस्लाम में हैं। पेरेंट देखें, अब आप अपने आप को खुद कंट्राडिक्ट कर रही हैं। 30 सेकंड पहले आपने कह दिया है कि दुनिया को दिखाने के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए, अब आप फिर वापस आ गई। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने इस्लाम नहीं छोड़ा तो आप एक जिना के रिलेशनशिप में हैं और अल्लाह आपको जहन्नम के निचले तरीन दर्जे में साड़ेगा, फुल स्टॉप। इसके अंदर कोई दो राय है ही नहीं, चाहे आप सुन्नी बन जाएं, चाहे आप शिया बन जाएं, चाहे आप बरेलवी कुछ भी बन जाएं, इसमें दो राय नहीं है, इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं ही नहीं। तो वंस अगेन, या तो आपने इस्लाम छोड़ दिया है और या आपने नहीं छोड़ा। एडम, आपको ना इतने सारे लोग है ना सुनते हैं, और जब आप ये बोलते हो ना कि हर अब्दुल खराब होता है, हर फातिमा खराब होती है, उससे जो इम्पैक्ट जाता है। मैंने ये नहीं कहा, कभी मेरी स्टेटमेंट नहीं है। शो मी वन टाइम मैंने कहा हो हर अब्दुल खराब होता, वन टाइम, जस्ट वन टाइम। मैं आपके ना डिस्कॉर्ड पे भेजती हूँ या फिर आपके इस पे टैग करती हूँ, क्योंकि आई नीड टू सर्च, क्योंकि because there are none। मैंने कहा है कि जो स्टेटमेंट है ना आपकी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मेरा अब्दुल हमेशा ऐसा है। देखें ऐसा मतलब कितना खराब है? नहीं खराब नहीं है, वो इस्लामिक है। अब्दुल इज ऑलवेज अब्दुल, एज लॉन्ग एज के अब्दुल कह दे कि वो अब्दुल नहीं है, वरना वो अब्दुल ही है। और अब्दुल कभी भी एक्सट्रीम अब्दुल हो सकता है और कभी भी नॉन एक्सट्रीम अब्दुल हो सकता है और कभी भी मीडियोकर अब्दुल हो सकता है और कभी भी वो एक सेक्युलर हो सकता है। देखें द होल आइडिया इज कि अब्दुल की इस वक्त बात ये भी छोड़ दें, अभी फातिमा की बात हो रही है। फातिमा तो शादी कर ही नहीं ना सकती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुझे बताएं आपने शादी कैसे कर ली? आप मुसलमान रही नहीं, या तो आप मुसलमान नहीं रही या आप जिना कर रही हैं। पहले मुझे अपना बताएं कि आप जिना कर रही हैं या आप मुसलमान नहीं रही, फिर हम अब्दुल पे जाते हैं। ओके, मैंने कोर्ट मैरिज किया और मेरे जो भाई हैं उन्होंने मुस्लिम बे से मैरिज किया। मुझे वो चीज नहीं चाहिए ना, कोर्ट मैरिज नहीं चाहिए, फॉरगेट दैट। देखिए इस्लामी के लिए आप नहीं कर सकती ना, तो आप मुझे बताएं आप जिना कर रही हैं या आपने इस्लाम छोड़ दिया? क्या होता है पता है, हम कुछ चीजें है ना हर बार लाइफ में ऐसे करते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप जितनी बुक्स पढ़ के बैठे हो ना, हर इंसान इतनी बुक्स पढ़ के नहीं बैठा होता है, हर इंसान इतना कट्टर नहीं होता है। स्पेशली इंडिया के लोग जितने भी है ना, फॉरगेट दैट, ये कुरान के अंदर लिखा है। इसीलिए मैंने कहा है कि दुनिया का कोई मुफ्ती इस बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान की आयत है कि फीमेल्स ने शादी नहीं करनी, इवन अहले किताब से भी नहीं करनी। एक जो मर्द है ना वो अहले किताब की लड़की ला सकता है, हिंदुओं की तो फिर भी नहीं ला सकता ना, अहले किताब की लड़की ला सकता है। फीमेल जो है, लड़की जो है, वो अहले किताब में भी नहीं जा सकती। तो दीदी बात यह, दीदी कहूँ आपको, सिस्टर को, आई डोंट नो अबाउट योर एज, सो डोंट माइंड दैट, एनएस कह देता हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे। देखिए सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है कि आप एज ए मुस्लिमा जो सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ें, हदीसों को भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, आप एक हिंदू के साथ शादी कर ही नहीं सकती हैं। या तो आप जिना कर रही हैं या आपने इस्लाम छोड़ दिया। अब मुझे बताएं कि इन दोनों में से आप कौन सा काम कर रही हैं। मुझे कोर्ट शोर्ट ना बताइए, कोर्ट की जो शादी है वो उस इलाके का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। सो मुझे बताइए कि आप जिना कर रही हैं या आपने इस्लाम छोड़ दिया, क्योंकि तीसरी कोई चीज नहीं है। जिना का तो ट्रांसलेशन आती है ना आपको एज ए मुस्लिमा। यस बट मैं वही बताती हूँ क्या होता है, पता है कि लाइफ में है ना, हम जैसे अगर ड्राइव भी करते हैं, कभी कभी हम कुछ रूल्स छोड़ देते बिकॉज हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि ओके, लाइक यू नो, आई से सॉरी फॉर इट। मतलब मेरे पेरेंट्स, दे वर नॉट हैप्पी जब ये सारा प्रोसेस हुआ, उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। नाउ वो मुझसे बात भी करते हैं, मैं उनके पास भी जाती हूँ, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं मैं सबके कांटेक्ट में हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ ओनली थिंग कि है ना, जब भी कुछ रिलीजियस चीज़ें होती है तब मेरे हस्बैंड उसमें नहीं होते। एंड मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, आप माइन्यूट डिटेल में जा रही हैं जो कि लेटर डिटेल्स हैं। मैं तो अभी बेसिक पॉइंट पे फंसा हुआ हूँ। देखें, इस्लाम आपको अलाउ ही नहीं करता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू से इट, और कितने डिफरेंट तरीकों से कहूंगा कि आपको समझ लगेगा। आपका हस्बैंड आपकी रिलीजियस सेरेमनीज को अटेंड करता है या नहीं करता, ये सेकेंडरी पॉइंट है। मैं आपको कह रहा हूं कि इस्लामिकली कोई भी फीमेल किसी भी हिंदू मेल के साथ शादी नहीं कर सकती। क्या आपने किसी मौलवी के जरिए अपना निकाह पढ़वाया था और क्या उस मौलवी को पता था कि ये बंदा एक हिंदू है और इसने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ? नहीं, मैंने निकाह नहीं किया था बिकॉज, थैंक यू सो वेरी मच। सो आप एक जिना के रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि अगर आपने निकाह नहीं करवाया इस्लामिक तरीके से, और क्योंकि कोई भी मौलवी एक मुसलमान लड़की का एक हिंदू लड़के के साथ निकाह नहीं करवा सकता, उस मौलवी को पता है, और कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो करवाएगा। तो मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, प्लीज इस चीज को समझें, आप या तो जिना के रिश्ते में हैं या फिर आपने इस्लाम छोड़ दिया। आपके पेरेंट्स ने एक्सेप्टेंस जरूर दे दिया होगा, क्यों? वो पेरेंट्स हैं, आपके लिए उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया। बट अगर आपने रिलीजियस निकाह नहीं किया, रिलीजियस इजाबो कबूल नहीं किया, तो इस्लाम की नजर में आपका हस्बैंड अगर वो मुसलमान होता और आप एक हिंदू होती, तो वो आपकी बेटी के साथ भी शादी कर सकता है, इस्लाम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक। ठीक है, सो मैं आई एम टेलिंग यू कि आपका रिश्ता बनता ही नहीं है। अब मैं मजीद आपसे क्या बहस करूं इस चीज के ऊपर? बट एडम, मैं आपको वही बोलती हूँ कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 लोग मतलब आपसे कांटेक्ट करते फॉर दिस क्वेश्चन, अगर वो लड़की या वो लड़का अगर रेडी है विद दिस जिना रिलेशनशिप, तो वहां पे उन दोनों का मैटर है। लाइक यू आर टेलिंग कि नहीं, हर बिकॉज दे आर आस्किंग मी, तो मैंने जो ओपिनियन देना है वो किताब के मुताबिक, जो रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है उसके मुताबिक ओपिनियन दूंगा ना। मैं ये नहीं दे सकता कि हाँ देयर इज अ 0.1% चांस कि वो शायद दिल से इस्लाम को ना मानती हो या दिल से इस्लाम को ना मानता हो और मुंह से सिर्फ मानता हो। भाई उसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। मैंने 1000 दफा कहा है, लाख दफा कहा है कि मैं जो भी आंसर दूंगा वो अकॉर्डिंग टू द बुक दूंगा, जो लिखा हुआ है लिखत परत के मुताबिक दूंगा। मैं अपने पास, मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ। देखो दिस चैनल इज नॉट अ लव गुरु चैनल। अगर आपको लव गुरु चैनल पे जाना है तो उसके लिए लव गुरु चैनल ढूंढ लें, वहां पे चले जाएं। I will answer you according to the religious text of Islam. That's it. और religious text of Islam के मुताबिक वो यही है जो मैं आंसर देता हूँ और मेरा आंसर चेंज नहीं होगा मेरी बहन। मैं आपसे प्यार करता हूँ एज ए बहन, जैसे कि एक बहन से प्यार किया जाता है। लेकिन मेरी प्यारी बहन, मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, इस्लाम की नजर में आप डेली जिना कर रही हैं, डेली। मैं वही बोल रही हूँ। पता है क्या होता है कि है ना, अगर मैं बहुत सारे रिलीजन की बुक्स पढ़ के फिर ये बताऊँ ना, तो हर रिलीजन में सिर्फ कुरान होती है जो हम फॉलो नहीं करते। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारी चीजें होगी जो आप फॉलो नहीं करते होंगे, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि मैं डेली जिना कर रहा हूँ डेली। भाई एक दफा जिना करने के ऊपर मुझे जहन्नम में सड़ना है हमेशा। आप तो डेली कर रही हैं, आपके तो बच्चे भी हराम की, आई एम सो सॉरी आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, मैं ये वर्ड यूज नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इस्लामिक तरीके से अगर बोलूं तो आपके बच्चे भी हराम की औलाद हैं, दे आर नॉट हलाल की औलाद। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस्लाम कह रहा है। मुझे मत ब्लेम, लाइक लिटरली आप मेरी बहन है, मैं आपको प्यार करता हूँ, इज्जत देना चाहता हूँ और इज्जत देता हूँ, लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि आप एक्स मुस्लिम है, ये इस्लाम आपने छोड़ दिया है, वरना आपके बच्चे इस्लाम के मुताबिक, अगर मैं इस्लाम की नजर से देखूं तो वो हराम की औलाद हैं। आई कांट डू एनीथिंग अनफॉर्चुनेटली। मैं इस्लामिक टेक्स्ट के मुताबिक बोल रहा हूँ और मैं लव गुरु नहीं हूँ, मैं आपको लव गुरु एडवाइस नहीं दे सकता। द ओनली एडवाइस दैट आई कैन गिव यू इज अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, व्हेन यू से कि है ना मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सारे अब्दुल वैसे ही होते हैं, सारी फातिमा ऐसी होती है। वहां पे ये होता है कि हाँ मेरे जो भाई है उन्होंने तो निकाह किया है, वो जो हिंदू लड़की से उसने वो भी नहीं कर सकता। ओके, आपका भाई हिंदू लड़की से जब तक उसे मुसलमान नहीं बनाया निकाह नहीं कर सकता। जो मौलवी जिसने निकाह पढ़ाया वो बनी ना, वो बनी, उसके बाद नहीं। वापस एनएस दैट्स नॉट द पॉइंट। आपकी जो भाई की बहन है, चूंकि आपके भाई ने निकाह किया, क्या वो हिंदू लड़की ने एटलीस्ट मुंह से इस्लाम एक्सेप्ट किया? यस, बात खत्म हो गई, एंड ऑफ डिस्कशन। तो जो आपका भाई के बच्चे हैं, प्रॉब्लम नहीं है। एनएस दैट्स नॉट माय पॉइंट। अब जो आपके भाई के बच्चे हैं, क्या वो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं? सॉरी, वो मंदिर भी जाती है भाभी। अभी जैसे वो हज के लिए भाई की बच्ची वो मंदिर जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप जब जाते हैं तो वो ले जाता होगा आपका भाई। भाई के जो बच्चे हैं वो मंदिर में जाके माथा टेकते हैं या मस्जिद जाते हैं? इनफैक्ट भाई भी जाके टेक देता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीजें हम हस्बैंड एंड वाइफ इसलिए करते हैं दूसरे के साथ। मैम लिसन, आपका भाई मुसलमान होके मंदिर में जाके माथा टेकता है, मुझे इसकी वीडियो बना के दें पहले, सबसे पहले। आई कैन लाइक यू आर लाइंग, मैं गारंटी देके दे रहा हूँ, यू आर लाइंग। मैं कंफर्म कह रहा हूँ, मैं भेज सकती हूँ। अभी वो है ना सऊदी गए थे, सऊदी गए थे, उम्रा किया था। बहन देखे, सिंपल सी बात है। नहीं, भाभी का जो नाम है ना उनका बहन, देखें बात ये है, एनएससी कोई मसला नहीं, नाम चेंज करना मसला नहीं होता इस्लाम में। इस्लाम कबूल करने के बाद नाम चेंज करना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट अ कंपल्शन। सो वो फर्ज में नहीं आता। उनको हज नहीं करने दिया गया, ठीक है, नहीं करने दिया, लेकिन वो गई तो थी ना, लेकिन नहीं करने दिया क्योंकि उनका नाम चेंज नहीं हुआ था, लेकिन नहीं करने दिया, क्योंकि इस्लाम में कंपल्शन नहीं है कि आपने नाम चेंज करना है। नाम चेंज करना इज नॉट अ कंपल्शन, लेकिन उनको हज नहीं करने दिया है। क्यों? क्योंकि उनका नाम हिंदुओं वाला होगा, लिहाजा उनको उन्होंने मक्का के अंदर घुसने ही नहीं दिया, क्योंकि वो नजिस है। नजिस का मतलब होता है नापाक, टट्टी वाली, पूपू वाली, एक गंदी औरत है। तो बहन प्लीज इस चीज को समझें। आप एक ऐसी बात मुझे कह रही हैं जिसको आप खुद एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि आपका भाई ने उसको इस्लाम कबूल कराया है, चाहे मुंह से ही क्यों नहीं कराया, फिर कहीं जाके शादी की है। तो भाई आप मुझे किस हिसाब से कह रही हैं कि मैं ऐसी बात ना कहूं? मैं जो कह रहा हूँ इस्लामिक स्क्रिप्चर के मुताबिक कह रहा हूँ। नहीं, वेट, तो मैं अगर अपनी साइड बोलूं ना, तो आप मुसलमान ही नहीं है, या तो आप मुसलमान नहीं है या आप वो जिना के अंदर मुलविस हैं, तो लिहाजा मैं आपको नहीं बता सकता आपकी बात। लेट मी फिनिश। अगर भाभी मतलब फैमिली को दिखाने के लिए, खुश रखने के लिए, और वो लिटिल बिट लाइक फैमिली में रह के तुम भी अच्छा करना, मतलब तुम भी वो मतलब रिस्पेक्ट करना सीख लेते हो। जितना आप गंदा बताते हो ना इस्लाम को, उतना शायद बुक्स में गंदा वो होगा, उतना ही गंदा है जितना मैं बताता हूँ। क्योंकि इस्लाम के अंदर एक 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 खास एरिया जिसे कहते हैं तिस्यार, ठीक है। तिस्यार वो चीज है कि डिसीट थ्रू फेलिसेशन, नॉट हैविंग टू ऑब्जर्व ऑल द टेनेंट्स ऑफ शरिया, ठीक है। और फिर आपके पास कितमान है, ठीक है। फिर आपके पास हीला है, आपके पास सो मेनी थिंग्स। देखें, मुझे आपके भाई से इतना मसला नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को इस्लाम कबूल कराया। अब बीवी ने मुंह से कर लिया क्योंकि भाई को लव हो गया था, तो वो लव गुरु बन गए थे। सेम थिंग, मैंने भी हिंदू वे से शादी की जो चीजें है ना, तो बहन तू हो गई ना फिर हिंदू। आपने हिंदू वे से शादी, अग्नि के चक्कर लगाए तूने नहीं, तो फिर किस तरीके से हिंदू वे से शादी कर ली? हिंदू वे के शादी में तो अग्नि के चक्कर नहीं लगाए, तो हिंदू वे से शादी क्या हुई? कोर्ट मैरिज की है, हिंदू वे से शादी की है। I'll explain, क्योंकि अग्नि like I believe कि अग्नि से वो गोल-गोल फेरा लगाने से I will be not Muslim. I don't care. अग्नि के फेरे लगाए थे या कोर्ट में शादी की थी? कोर्ट में शादी की, और उसके बाद तो फिर हिंदू वे से शादी नहीं की। आपने हिंदू वे से शादी नहीं की, आपने कोर्ट में शादी की है। देखिए, हिंदू वे की शादी, देखिए बहन, अगर आपको हिंदू धर्म का भी नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सनातनी धर्म के अंदर अगर आपने शादी करनी है, अग्नि के चक्कर नहीं गए तो आपकी शादी नहीं हुई। अग्नि की पवित्रता आपने ली, और अग्नि के सात फेरों में आपने सातों के सातों जो आपके वो वादे हैं वो पूरे नहीं किए, तो आपने हिंदू धर्म के मुताबिक शादी नहीं की है, फुल स्टॉप, ठीक है। आप आपको गंधर्व विवाह पता है? उसमें क्या होता है कि आप अग्नि के गोल गोल फेरे नहीं लगाते, उसमें सात सुपारी होती है, उसको आप मिक्स करते हो, एंड दैट इज द वे। ये जो बाद की चीजें हैं ना, जो बाद की चीजें हैं जो कि स्क्रिप्चरल नहीं है, मैं उनको वैसे नहीं मानता। इस्लाम में भी बहुत सारी चीजें जो कि अनस्क्रिप्चरल हैं, मैं उनको मानता ही नहीं हूं। आई डोंट एक्सेप्ट दैट। आई एक्सेप्ट ना, दैट इज द वे। नहीं, आई एक्सेप्ट द वन जो के जो है ना वो अग्नि के गिर्द की है, अदरवाइज आई डोंट डू दैट। बट एनीहाउ, आपके कोई भी फ्रेंड रहेंगे ना, उनको पूछना कि देयर इज अ वे ऑफ गंधर्व विवाह, जहां पे सेवन सुपारीज को मिक्स करते हैं, एंड दैट इज द वे जो ब्राह्मण ने हमें बताया था। सात सुपारियों को मिक्स करके शादी कर ली, चले ठीक है, छोड़ें, गोली मारें, लेकिन आप मुसलमान तो नहीं रहे हैं, एटलीस्ट दैट्स फाइन। दैट आई डिड बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ को वैसे लाइक आई डोंट वांट टू हर्ट हर। अगर हम किसी भी, भाई मैं क्या करूं हर्टिंग? आप एक अच्छी लेडी हैं, एंड आई एक्सेप्ट दैट कि आप एक अच्छी लेडी हैं। नहीं एडम, अभी भी मेरा कहना है कि अगर आप किसी को मना करते हो ना कि नहीं, हर लड़की ऐसी होती है, हर लड़का ऐसा ही होता है, I don't मैं think so, like, हमेशा ये कहता रहूंगा क्योंकि इस्लामिक स्क्रिप्चर ये कहता है, और इस्लाम के मुताबिक आप रोज एक जिना के रिलेशनशिप में हैं। मैं जो कहता हूँ वो किताब के थ्रू कहता हूँ, कुरान और हदीस के थ्रू कहता हूँ। आप अगर उसे नहीं मानती तो आप एक नॉन मुस्लिम है। आप मुझे किस हिसाब से कह रही हैं? मैं तो किताब के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं आपकी शादी किस तरीके से एक्सेप्टेबल है इस्लाम की नजर में, जबकि आपके किसी मौलवी ने आपकी शादी नहीं पढ़ाई। आपको मैं वही बोल रही हूँ कि जब कोई लड़का या जब कोई लड़की आपके सामने आते हैं ना, उनका स्टेट ऑफ माइंड बहुत कंफ्यूज होता है, उनको बहुत डर लगता है। नहीं कंफ्यूज होता है, आई एम क्लियर, आई एम ब्लैक एंड, आई बिलीव इन ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट यू, आई बिलीव इन ब्लैक एंड व्हाइट, एंड आई विल ओनली टॉक अबाउट द ब्लैक एंड व्हाइट रिटन वर्ड्स, फुल स्टॉप। इट्स माय एडवाइस, आपको अच्छी लगे आप तो ठीक है, आप अपनी एडवाइस के ऊपर अमल करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर ओन एडवाइस माय डियर सिस्टर, आप एक गंदे रिलेशनशिप के अंदर हैं। अब मैं और क्या कहूँ, मैं कितनी दफा एक बात रिपीट कर चुका हूँ, मैं मजीद करना नहीं चाहता। आपका जो रिलेशनशिप है इस्लाम के मुताबिक इज रॉन्ग, इट्स एब्सोल्यूट रॉन्ग। और अगर मैं एक अंग्रेजी वर्ड का यूज करूँ, and I don't want to use it, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया कि मैं फाइनली यूज करूं, it's a whoreship, W-H-O-R-E. I don't want to use it so many times, but according to Islam, that's what you are at this moment. And I'm trust me, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इस्लाम का मतलब यही है, दुनिया के किसी मुफ्ती से पूछ लें, और अगर कोई मुफ्ती गलत कहेगा मेरे मुंह पे आके थूक जाइएगा, नहीं मेरे मुंह पे थूक जाइएगा। मैं आपकी थूक अपने मुंह पे लेने को तैयार हूँ। और बताएं एडम, जब मैंने किया था मुझे यही एडवाइस मिली थी कि आई कांट डू, जो फेरा होता है दैट अग्नि की गोल गोल, दैट आई कांट डू, क्योंकि आफ्टर लाइक यू नो कोर्ट मैरिज आई आस्क कि मैं क्या कर सकती हूं। किससे लिया था आपने, किससे ये मशवरा लिया था आपने? इमाम से एडवाइस। कौन सा इमाम? बाबा जी का ठुल्लू इमाम, बाबा जी का ठुल्लू इमाम। मैंने कहा दुनिया के किसी भी मुफ्ती से ले आए मेरे पास, कोई आपको ये कह ही नहीं सकता कि आप उससे शादी कर सकती हैं, लेट अलोन फेरा लेना। मैं कह रहा हूँ दुनिया का कोई इमाम, कोई मुफ्ती आपको अलाउ ही नहीं कर सकता। अगर उस इमाम को इतना ही था तो आपका निकाह करा देता, उसने क्यों नहीं कराया? क्योंकि उसे पता है निकाह कराएगा तो उसे लोग मार मार के जो है ना कत्ल कर देंगे, क्योंकि वो निकाह पढ़ा ही नहीं सकता एक मुसलमान लड़की का एक हिंदू लड़की के साथ। उसे कहना था ना पढ़ा दे, क्यों नहीं पढ़ाया उसने? मेरे केस में तो इट वाज वेरी नॉर्मल थिंग। गौरव वाज लाइक रेडी कि हाँ ठीक है, मैं लाइक यू नो, बट द थिंग इज कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि छोड़ो, आई फाइंड दैट कि एक रिजिड चीजें जो होती है ना, कट्टर चीजें, वो रिलीजन छोड़ने के बाद भी रहती है, और वो निकलना मुश्किल नहीं रहती। आप बहुत गलत बात कर रही हैं, आपने इस्लाम को खुद पढ़ा नहीं। आप मुझे कह रही हैं कि मैं इस्लाम को बताने की बजाय सेंसेशंस को समझ के बताने की कोशिश करूं। मैं सेंसेशंस पे जवाब नहीं देता, मैं इमोशंस पे जवाब नहीं देता, मैं बुकिश आंसर देता हूं जो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। और मैं हमेशा यही बात करता हूं, अगर मैं इमोशंस पे रहता तो मैं मुसलमानों से नफरत करता। मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करता, मैं आइडियोलॉजी से नफरत करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूं इसी बात को कि ईच एंड एवरी आंसर ऑफ माइन, मेरा जितना भी आंसर होगा वो इस्लामिक बुक्स के मुताबिक होगा। दुनिया के जिस मर्जी मुफ्ती को ला के मुझे रिजेक्ट करा लो, दैट्स इट, उसके मुताबिक होगा। मेरा आंसर कभी इमोशंस पे नहीं होगा। तो एक बंदा जब मुझसे आके पूछता है कि क्या वो एक लड़की के साथ अपने इस लव रिलेशनशिप को कैरी ऑन रखे, मैं कहता हूँ नहीं रखो। क्यों? क्योंकि उस लड़की को तुम्हें मुसलमान करना जरूरी है कि वो तुमसे शादी करे एज ए मुसलमान। हाँ, मैंने कई दफा कहा है, अगर वो तुम्हारे लिए इस्लाम छोड़ने को तैयार है तो यस कर लो, जैसा कि आपने किया। इन रियलिटी आपने इस्लाम छोड़ा। सेम गोज फॉर अ फीमेल। एक फीमेल कहती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, अब्दुल अगर तुम्हारे लिए इस्लाम छोड़ने को तैयार है तो दैट इज फाइन, क्योंकि कोई भी अब्दुल एक हिंदू लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता जब तक वो उसको मुसलमान ना कर ले। और अगर वो उसको एज ए हिंदू शादी कर रहा है तो उसको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, वरना वो इस जिना में है। और एक मुसलमान लड़का अगर एक हिंदू लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करता है, निकाह नहीं करता, इस्लामिक इजाबो कबूल नहीं करता, तो वो अपनी बेटी के साथ बाद में सेक्स कर सकता है, शादी कर सकता है अपनी ही बेटी के साथ। मैं कैसे इजाजत दे दूं इस चीज की? मैं कैसे किसी को अलाउ कर दूं जब वो मुझसे आके क्वेश्चन कर रहा है इन गुड फेथ कि एडम भाई आप जानते हैं इस्लामिक स्क्रिप्चर को, आप मुझे सजेशन दें। लव गुरु की एडवाइस नहीं मांग रहा वो मुझसे एडवाइस मांग रहा है एज ए पर्सन जो कि इस्लामिक स्क्रिप्चर को मानता है, इस्लामिक स्क्रिप्चर को जानता है। मैं उसको कैसे इजाजत दे दूं कि लड़की से शादी कर लो? अपनी लाइफ में किसी भी इंसान को देखा है जिसने मतलब अगर ऐसे शादी की है फिर उसने अपनी बेटी के साथ भी लाइक यू नो सेक्स किया है? किसी इंसान को जानते हो? हजारों, आप गूगल पे सर्च करें, हजारों बाप मिलेंगे जिन्होंने अपनी बेटियों के साथ सेक्स किया। हजारों बाप मिलेंगे, गूगल पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च करें। अभी मैं आपको रीसेंट न्यूज दिखाता हूँ, रुक, अभी एक रीसेंट न्यूज दिखा देता हूँ, छोड़ दें बाकी सारी चीजें। ये आर्टिकल है, एक सेकंड, ये देखें, एक सेकंड, ये इसका मैंने अभी लिंक नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने इमेज सेव की थी क्योंकि मुझे और इसमें मुझे ये भी बताना कि उसमें एक सेकंड रुकें, 1% वाज मुस्लिम एंड 1% वाज हिंदू। नो नो नो, फॉरगेट दैट, मुझे उसकी परवाह कोई नहीं है इस वक्त। आपने मुझे कहा किसी बाप ने अपनी बेटी के साथ की हो, बात खत्म हो गई। मतलब ऐसा किया है उसने जहां पे लड़का, अरे बहन बात सुने ये जो होता है ना गोल पोस्ट चेंज मत किया करें। मुझे मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो गोल पोस्ट चेंज करते हैं। ठीक है, स्टॉप चेंजिंग द गोल पोस्ट। नाउ चेक दिस आउट, यू सेड कि एक बाप कभी अपनी बेटी के साथ कर सकता है। ये ले, ये मैं इसका आर्टिकल भी आप जाके गूगल पर सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। ये देखें, मुस्लिम फादर रेप्स हिज डॉटर एज पनिशमेंट बिकॉज शी हैड बिकम टू वेस्टर्नाइज लिविंग इन नॉर्वे। वो एक नॉन मुस्लिम के साथ वेस्टर्नाइज हो गई थी। अंग्रेजी समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, रुके 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 रुके, india.com का आर्टिकल देता हूं आपको। वेट 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 वेट, india.com का आर्टिकल लें, रुके रुके रुके। ये देखें, आप मुझे कहती हैं कि इस्लाम में, ये देखें, अब आप इस्लामिक स्क्रिप्चर से बाहर निकल गई हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपको इस्लामिक स्क्रिप्चर से बाहर बात करूंगा आपसे। ये ले इस्लामिक स्क्रिप्चर से बाहर बात करें। ये ले, हिंदी पढ़नी आती है मेरे को, तो आम्ब नहीं हिंदी पढ़नी आती। ये पढ़ें आप, क्या लिखा हुआ है india.com का आर्टिकल, क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताएं। बेटी ने अपना मॉडर्न रहन-सहन तो मुस्लिम पिता ने बलात्कार कर सिखाया सबक। थैंक यू सो वेरी मच। नाउ मुझे आप ये मत बता, हजारों आर्टिकल हैं, आप जाके गूगल पर सर्च कर लें। मेरी तो बातें माने ना, मेरी तो बात मानने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आप को बड़ी सेक्युलर मुस्लिम कह रही, मेरी बातें माने ही ना माने। गूगल पे सर्च करें, आपको पता लगेगा। आपको पता पाकिस्तान के अंदर ये लोग अपनी लड़कियों को कुरान के साथ निकाह करा देते हैं। कुरान से निकाह का मतलब क्या है? That she can never get married to any man, क्योंकि कुरान तो तलाक दे नहीं सकता, वो तो एक किताब है, वो कैसे तलाक देगा? कुरान तलाक दे नहीं सकता, वो नथी होगी forever and ever and ever। नहीं लिखा ना, तो अब आप कुरान से बाहर निकल गई है ना। जो कुरान में लिखा है वो लिखा है कि आप हिंदू लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती, उसको तो आप मान नहीं रही। वो बहुत जगह पे है, जैसे देवदासी, ये जो है बहुत गंदा कल्ट। अरे तो मैं कहता हूँ देवदासी, या फिर कहीं होता मैं है। कह रहा हूँ कि आपको किसने कहा देवदासी को एक्सेप्ट करो? इंतहाई स्टूपिड आइडियोलॉजी है देवदासी। मगर एट द सेम टाइम जब आप कह रही हैं कि मुझे इस्लाम के कुतब के ऊपर बात नहीं करो, उससे बाहर निकल के बात करो, तो मैं बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। देखिए कितनी अजीब सी बात है, मैं इस्लाम की ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कह रही नहीं ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर बात नहीं करो। कितने लोग हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट को मानते हैं। मैं जब बाहर निकल के आपको रियल लाइफ चीजें दिखा रहा हूँ तो आप कह रही नहीं ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। देखिए सी हाउ डू यू चेंज योर गोल पोस्ट। I'll say that, like, you know, I'm able to recall one movie जिसमें Christian male होता है, I'm not able to recall the name, but उसने अपनी जो बेटी है ना उसको बेसमेंट में रखा था and उसके साथ बहुत रेप किया and उसका बेबी भी बॉर्न हुआ and फिर some it's a long movie। तो that doesn't mean कि क्रिश्चियनिटी ये अलाउ करती है, हिंदुइज्म अलाउ करता है, कोई रिलीजियन अलाउ नहीं करता। ये साइकोपैथ होते हैं कुछ लोग जो ऐसा करते हैं। अरे मेरी बहन, सिंपल सी बात है, पहले आप इस्लामिक स्क्रिप्चर को मान नहीं रही थी, राइट? मैंने आपको दिखाया दुनिया में क्या हो रहा है, अब आप कह रही है नहीं स्क्रिप्चर में दिखाओ। देखिए कितनी सिली बात है। देखिए इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और मेरी इस वीडियो को रिवाइंड करके सुनिएगा जरूर। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जरूर सुनिएगा कि हाउ यू आर चेंजिंग योर गोल पोस्ट। पहले आपने कहा मुझे कुरान हदीस नहीं दिखाओ, कितने लोगों ने कुरान हदीस पढ़ा? मैंने आपको दिखाया दुनिया में क्या हो रहा है, अब आप कह रही हैं कुरान हदीस में दिखाओ कि लिखा हुआ क्या है। फिर आपने मुझे एग्जांपल किस चीज की दी है? मूवी की, कि मूवी में ये हुआ है। तो मूवी, अगर मूवीज जो हैं वो असल हकीकत होती हैं तो दीदी, बहन, इज्जत माप, NSG, आई एम अमेज्ड कि आप मूवीज को हकीकत समझ रही है। नंबर 3, भाई दुनिया का कोई भी बंदा शैतान हो सकता है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। मुसलमान भी शैतान हो सकता है, क्रिश्चियन भी शैतान हो सकता है, हिंदू भी शैतान हो सकता है। यस, मुझे उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज, इसी वजह से मैं इमोशनल डिस्कशन नहीं करता, मैं स्क्रिप्चरल डिस्कशन करता हूँ। कुरान और हदीस में क्या लिखा है मैं उसके ऊपर जवाब देता हूँ। मेरा जवाब हमेशा कुरान और हदीस वाला होता है। आपने एक्सेप्ट करना है करें, नहीं एक्सेप्ट करना परफेक्ट, दैट्स ऑल अप टू यू। Make sense? I totally, like, you know, not agree with few things. That is fine. Agree करने की बात नहीं कर रहा मैं। Does it make sense जो मैंने बोला? नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जब आपके पास आते हैं और when you say कि नहीं मेरा अब्दुल ऐसा ही होगा, तो क्या होता है कि उस लड़की के दिमाग में कहीं ना कहीं मैं 80% नहीं 99% ऑफ टाइम मेरा अब्दुल ऐसा ही है। 1% ऑफ टाइम के ऊपर जो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मैं उसकी बेस के ऊपर आंसर नहीं दे सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी एडम व्हेन यू से 99% यू डोंट हैव एनी डेटा, यू डोंट हैव एनी स्टैटिस्टिक्स जो हम हमेशा बात करते हैं कि मैं आई हैव द स्टैटिस्टिक्स। मेरे पास 4 साल में यू आर द ओनली फीमेल हु केम अक्रॉस इन माय 4 years of this who said this, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि जो आप बोल रही हैं वो वाकई ऐसे ही है। नंबर 3, आप जिना कर रही हैं डेली। मैं आपकी इन तीनों वजूहात की वजह से मैं आपको अभी तक आंसर दे रहा हूं ताकि आप भी समझें, और जो लाइव चैट में लोग होंगे जो मुसलमान होंगे जो कि और जो नॉन मुस्लिम होंगे जो कि इस किस्म के रिलेशन में मुलविस होंगे, कम अज कम वो वाले जूनियर लोग आपकी इस स्टूपिड आइडियोलॉजी वाली बात के अंदर ना आ जाए, इसलिए जवाब दे रहा हूं। वरना आई हैव नो एविडेंस व्हाट यू आर सेइंग इज राइट एंड आई डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट। द होल आइडिया इज कि मेरा आंसर अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर होता है। अगर कोई फिर भी करना चाहता है वो उसकी मर्जी है। मैं किसी बंदे को पकड़ के हथकड़ी से बांध के ताला नहीं लगा देता कि नहीं कर सकते। उसने मुझसे सवाल किया है, मैं स्क्रिप्चर के थ्रू जवाब दूंगा जो स्क्रिप्चर्स कहते हैं। That's it. मैं तो सिर्फ इतना बता पाऊंगी कि आपकी स्ट्रीम जितने भी लोग देखते हैं उस बंदे को या बंदी को जानिए कैसा है। टेक योर टाइम। बंदी को जानिए, आप जान ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। दिल का भेद कौन जान सकता है? कैन यू सी इन द हार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन? आई फाइंड कि जब से ऐसा करें, आप मुझे गारंटी कर दें कि वो जो अब्दुल है वो अच्छा निकलेगा। कैन यू गारंटी मी दैट? क्या आप मुझे गारंटी कर सकती हैं कि जब उसका बेटी पैदा होगी वो उसको मंदिर या नॉन एथियस्ट नहीं बनने देगा और उसको पर्दा नहीं कराएगा और उसको दूसरे, क्या आप गारंटी कर सकती हैं? If I know that person, end of discussion. Thank you so much. Like my so आप मुझे जो बात कर रही है ना, मुझसे जो बंदा बात करने आएगा वो स्क्रिप्चरल रेफरेंस लेने आ रहा है, मैं वो दे रहा हूँ। आई थिंक वी हैव एंडेड द डिस्कशन एंड एग्जॉस्टेड दिस डिस्कशन। आप एक बार प्लीज रिवाइंड करके सुनिएगा और ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे को दोबारा आइएगा अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो। हाउ अबाउट दैट? ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएटेड। लेकिन एक दफा प्लीज सुन लीजिएगा दोबारा ताकि आपको पता लगे हमारी बात क्या हुई है। Okay, I'll do that. Thank you so very much, appreciate it. You take care and have a nice time. और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का रिलेशन हमेशा अच्छा रहे। थैंक यू सो वेरी मच। मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, बहुत बहुत माजरत के साथ जो कुछ मैंने बोला इस्लाम के स्क्रिप्चर के थ्रू बोला। इट हैज नथिंग टू बी अ पर्सनल अटैक ऑन यू। जो मैंने बोला वो मैं स्क्रिप्चर रेफरेंस से बोला, कोई आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं है। प्लीज उसके लिए मुझे माजरत कर दीजिएगा जो हार्श वर्ड्स मैंने बोले। इट वाज नॉट ऑन यू, इट वाज अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। नो एडम, लाइक आपकी स्ट्रीम में लास्ट मोर देन 1 year से सुन रही हूँ और उसको सुनने के बाद, उसको समझने के बाद, रियल एविडेंस के बाद मुझे बहुत सारी जगह पे ना आपका एनालिसिस ऐसे लगता है कि नहीं ये क्या बता रहे हैं। मतलब आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पे कम एज की लेवल के साथ। ऐसा कीजिएगा, कभी किसी दिन जो है ना किसी मुफ्ती को साथ ले आइएगा जो कि अपना कैमरा ऑन करके मेरे साथ गपशप लगा सके और मुझे सही, मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दे और आपको राइट प्रूफ कर दे। अगर वो कर गया स्क्रिप्चर के थ्रू, बहस के थ्रू नहीं। मैंने आपके सामने कोई स्क्रिप्चर नहीं खोला, मैंने कुरान नहीं खोला, हदीस नहीं खोली। कुरान और हदीस के थ्रू अगर वो आपको सही और मुझे गलत प्रूफ कर गया, मैं अपने स्टांस को 110% चेंज कर दूंगा। इज दैट ओके? मैं कुरान हदीस नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उसके साथ मैं और भी एविडेंस लेके आऊं तो हाउ अबाउट दैट? नहीं, मुझे, मैं बात ही सिर्फ स्क्रिप्चर के थ्रू करता हूँ। मैंने कभी अपने इमोशंस को बीच में डाला ही नहीं। अगर मैं इमोशंस को बीच में डालने की कोशिश करूँ तो जितना मैं इमोशनल बंदा हूँ, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप मुझे 6 महीने से पहले सुनती होंगी तो आपको पता होगा कि मैं तो 10 मिनट बर्दाश्त नहीं करता था, गालियां देना शुरू कर देता था। मैं तो गालियां दे के बंदे को निकाल देता था, मैं कहता दफा हो जाए यहाँ से। तुम तो बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास इट्स अगर बिकॉज एविडेंस ऑफ नहीं है तो निकल साहिल, जाओ। क्योंकि आपको पता है कि उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत कोल्ड है, एंड यू लर्न दैट थिंग फ्रॉम हिम। बहुत सारी चीजें उन्होंने आपसे चले लर्न की है, लाइक दैट इज इट्स फाइन के, अ वे। दैट इज फाइन, दैट इज ऑल गुड के मैंने साहिल से लर्न किया है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि यार हमारी ये जो वीडियोस हैं वो फैमिली के अंदर देखी जाती हैं, तो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल द वर्ड्स दैट आई चूज इन। बट एनीहाउ यस आई लर्न अ लॉट फ्रॉम साहिल एज वेल। जितना ठंडे पित्ते का वो बंदा है, मैं उतना ठंडे पित्ते का बंदा नहीं हूँ, एंड दैट्स फाइन। बट फॉरगेट दैट, फॉरगेट ऑल दैट। मुझे मुझे जो है ना बहस बहस करने की आदत नहीं है। साहिल कर सकता है बेचारा, वो उसके पास है, बहुत टेम्परामेंट है, मेरे पास नहीं है। मैं चलता हूँ प्योर स्क्रिप्चर्स के थ्रू, तो लिखा ये हुआ भाई, क्या मान लो होता है नहीं पता मानना है, तो ठीक है। नहीं, व्हेन यू से कि मुझे मतलब कोई चीज़ है ना, कुरान से कुरान को करो, उससे बेटर होता है कि कुरान के साथ वोंट से कि मैं बाइबल को लेके आऊंगी, बट आई से कि मैं रियल एग्जांपल्स लेके आऊंगी कि देखो ये एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, किया देखिए है बिकॉज ऑफ एग्जाम्पल, दिस 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 रीजंस। देखिए मेरी प्यारी बहन, वंस अगेन 1% की एग्जाम्पल लेंगे। इंडिया की आबादी कितनी है? 130 CR, ओके, उसमें मुस्लिम आबादी कितनी है? 20%, 20%, which is what, 30 crore, लेस देन 26 to 30 CR। approximately 30 crore। हम्म 30 crore की आबादी के अंदर अगर आप मैं 2-3 एग्जाम्पल ले भी आएंगे, 4-5 एग्जाम्पल भी ले आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको जो मेरी आपने केरला स्टोरी या फेक न्यूज की एग्जाम्पल वीडियो देखी है आपने, मेरी केरला यस स्टोरी या फेक न्यूज देखी है? देखिए उसमें कितनी एग्जाम्पल्स दी थी मैंने? आई थिंक पता है आप जब एग्जाम्पल देते हो ना नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे ना जाइएगा। कितनी एग्जाम्पल दी थी? बहुत सारी। बेहतरीन। अच्छा, अब अगर एक बंदा सोचे इस बात को, तो वो क्या कहेगा? ओ यार ये तो बड़ी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन भाई 8 घंटे की वीडियो में अगर इतनी थोड़ी सी एग्जाम्पल भी दे दी तो बहुत है। लेकिन दैट डजेंट मैटर सिस्टर। मैं सारी उम्र मुसलमान रहा हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, अब जाके मैंने इस्लाम छोड़ा, अब जाके, ठीक है। मैं पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप अगर नहीं मानती आपकी मर्जी है। अगर माइनॉरिटी की भी माइनॉरिटी अगर चेंज होती है, डिफरेंट तरीके से करती है, दैट इज फाइन। लेकिन हमने मेजोरिटी को देखना है। वट यू आर सेइंग इज लाइक, आपको खुद समझ नहीं लग रही कि आपके इमाम ने आपकी निकाह नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया? खुद सोचे इस बात को। तो आप मुझसे बहस बराए बहस करी जा रही हैं। मैं एक और चीज बताती आपके हूँ आपको। भाई ने जिस हिंदू लड़की से शादी की वो हिंदू नहीं रही जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है, चाहे मुंह से किया। देखें इस्लाम दिल कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि दिलों का भेद सिर्फ वो जानता है, ठीक है। इन्नमल आमाल बिलनियात, ठीक है। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे उसने इस्लाम कबूल कर लिया है दुनिया के सामने। वो लड़की और अब मुसलमानों में शामिल हो चुकी है, एंड चाहे वो एंड कुछ भी कर ले। एंड एडम, मेरे जो भाई है ना, उन्होंने उन भाभी की फैमिली को खुश करने के लिए हिंदू वे से भी शादी की है। डज नॉट मैटर, आजकल डज नॉट मैटर। उन्होंने एक दिन के फेरे नहीं लगाए, उन्होंने डिफरेंट तरीके से किया जो आपने बताया। सो एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहन, उसने अगर अगर अग्नि के चक्कर नहीं ना लगाए तो उसने वेदों लगाया, को एक्सेप्टेंस नहीं किया। उन्होंने अभी आपने लगाया, कहा था नहीं लगाए, अभी मैंने नहीं एक लगाया, सेकंड, अभी मैंने आप नहीं झूठ बोल लगाया, रही हैं, उन्होंने लगाया, अभी आप झूठ बोल रही मैंने हैं, बार लगाया। बार झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी शादी की फोटोज भेज सकती हूँ, मैं उनकी भी भेज सकती क्या हूँ। कमाल बात हो रही है। चले अब अगर मैंने अगर मैंने उन्होंने लगा दिया है, मैंने देखें नहीं लगाया है, मैंने वो अगर सुपारी चले मिट्टी मैं लेमी बंदे लेमी को लेमी हुआ। लेमी आंसर दैट। अगर उन्होंने लगा दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस्लाम से खारिज है, जिस तरह आप इस्लाम से खारिज है। मैं नहीं कह रहा गो आस्क योर मुफ्तीस, लाइक But that is not biggest सीरियसली shirk, right? स्पीकिंग। हाँ That is not biggest shirk. We can say sorry for it. ओके, सो इट्स अ स्मॉलर शिर्क, फेयर इनफ। तो आपने कर दिया शिर्क, अब आप जाके सॉरी कर देंगे। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, you like imagine that what you are saying, oh my goodness, so you agree with me कि आपको पता है कि उस भाई को भी पता है कि उसने गुनाह किया है और ये कोई बड़ा वाला शिरक नहीं है, छोटे वाला शिरक है, तो मैं बाद में माफी मांग लूंगी। बहन एग्जैक्टली एडम, आप मुझे वही ये बात कर रही हैं जो मैं कर रहा हूँ। नो 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 एडम, मुझे ये सारी चीजें है ना पहले पता ही नहीं थी। मैंने अभी भी बताया कि मैं ना आपके बहुत वीडियोस देखती हूँ ना, आई हैव रियल रिस्पेक्ट फॉर यू, क्योंकि आपको है ना स्क्रिप्चर्स का नॉलेज बहुत अच्छा है जो बहुत कम लोगों को होता है। बट मैं आपकी जब बात सुनती हूँ ना तो बहुत सारी बातें, लाइक स्टार्टिंग में आई वॉज फीलिंग दैट कि नहीं इट्स बुलशिट, इट्स दिस, इट्स दिस, बट फिर मैंने वो चीज़ों को सोचना शुरू किया एंड व्हेन आई अंडरस्टैंड कि नहीं इसके पीछे ये रीज़न है, इसके पीछे ये रीज़न है। हाँ, कुछ चीज़ें बुराई है, लाइक आई से दैट 20% चीजें बुरी है, बट क्या होता है 20%। ओके, ऐसा करते हैं, टाइम बहुत हो गया है, मुझे स्ट्रीम बंद करनी होती है, नॉर्मल स्ट्रीम में इतनी ज्यादा लंबी नहीं चलाता। ऐसा करते हैं, आप कंप्लीट स्क्रिप्चरल रेफरेंस के साथ मेरी उन बातों को पकड़ें जो कि आपने कहा 20% है, 80% नहीं है। उन 80% में मुझे, मेरे पास नेक्स्ट टाइम सैटरडे को, मैं आपको सैटरडे को भी अलाउ करूंगा कि आप आए, बिकॉज ज्यादा ऑडियंस होगी एंड मुसलमान होंगे। वो चीजें पकड़ के लाएं मेरे पास, मैं आपके साथ बात करने को तैयार हूं, लेकिन रेफरेंस के साथ। हाउ अबाउट दैट? मुझे आप सिर्फ टॉपिक दे दीजिए, like any topic, your choice of topic। देखें, आप मुझे बताइए, because okay, मैं क्या बताऊं, मोहम्मद की शादी। देखें, मेरे पास कोई फेवरेट नहीं होता, मेरे पास कोई फेवरेट नहीं होता, मैं आपको ओपन एंड दे रहा हूँ। मुझे आपको, आप मुझे टॉपिक भी ना बताएं ताकि कहीं मैं तैयारी ना कर लूं। हाउ अबाउट दैट? ना आपकी तैयारी तो ऐसे ही बहुत है, लाइक आई टोटली एग्री, आपकी तैयारी बहुत है, बट मैं जो आपको लॉजिक बताऊंगी ना तो वो भी है ना। क्या हो रहा है पता है एडम, जब से है ना लोग आपकी स्ट्रीम सुनना शुरू किया है ना, वो हेट्रेड बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा, हेट्रेड नहीं बढ़ रहा, वो जरूरी है। 2047 के अंदर आपके मुसलमानों ने, जो यूनियन है, उन्होंने कहा हुआ था कि इंडिया के ऊपर गजवा हिंद करेंगे। गजवा हिंद करना बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि हदीस में लिखा हुआ है कि जब तक गजवा हिंद नहीं होगा, हिंद पे कब्जा नहीं होगा, तब तक ईसा मसीह नहीं आएगा, और ईसा मसीह जब तक नहीं आएगा, इमाम मेहंदी नहीं आएगा, इमाम मेहंदी नहीं आएगा, दज्जाल नहीं आएगा, दज्जाल नहीं आएगा तो आपकी जो है ना वो नहीं होगा, अपना क़यामत नहीं आएगी। तो आपके मुस्ले तैयार हैं गजवा हिंद करने के लिए। व्हाट आई एम डूइंग इज कि वो जो गजवा हिंद होना है उसको खत्म किया जा सके। इंडिया के अंदर जो एब्सोल्यूट किस्म की एनार्की आनी है और इंटरनल खाना जंगी होनी है, वो खत्म की जा सके। व्हाट आई एम डूइंग इज गुड फॉर इंडिया। हालांकि मैं इंडिया में रहता नहीं है, मेरे अंब को ठंड है, ठीक है, मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, मेरे अंब को ठंड है, लेकिन ये होने का था, जो मैंने कर दिया है। और अगर मैं अगले 10 साल तक ये कर सका और अगले 10 साल तक ये करता रहा, वो जो गजवा हिंद होना था वो नहीं होएगा। दिस इज द रियलिटी, दिस इज व्हाट आई एम स्टॉपिंग। वरना आपके जो ईमान यूनियन है उसने 2047 का लिखा हुआ है वहां पे कि उन्होंने करना था, और ये डॉक्यूमेंट हमने दिखा दिए। मैं तो, मेरी प्यारी बहन, मैंने किसी के दरमियान हेटरेट नहीं फैलाई, मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करता, मैं इस आइडियोलॉजी से नफरत करता हूँ कि आइडियोलॉजी गलत है। दैट इज इट। आप तैयारी करके सैटरडे को आइएगा। इतना फेल रहा है इंडिया में, और क्रिश्चियनिटी इतना फैल रहा है इंडिया के अंदर। मैं बताता हूँ क्रिश्चियनिटी कितना फैल रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया जब डिवाइड हुआ, क्रिश्चियनिटी 1.8% था, आज 76 इयर्स के बाद क्रिश्चियनिटी 1.8% है। ये इतना फैल रहा है। एनी हाउ, ये स्टेटिस्टिक्स ऑलरेडी आपके इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, आप जाके पढ़ सकती हैं। मगर किसी को क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि नहीं करे या करे, दोनों चीजें मैंने किसी को नहीं कही। ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं क्रिश्चियन हूँ, इट हैज नथिंग टू डू विद यू, इट हैज नथिंग टू डू विद प्योर काफिर। मेरे साथ प्योर काफिर बैठा हुआ है जो कि क्रिश्चियन नहीं है, इट डज नॉट मैटर। मुझे ये मतलब एक बंदे की पर्सनल चॉइस है। एट द एंड ऑफ द डे जो आप बता रही हैं, मैंने आपको उसका आंसर दे दिया ना, मैंने आपको उसका आंसर दे दिया। अब आप ऐसा करें कि जो 80% आप कहती है ना कि मैंने शायद, वहां पे आप गलत पकड़ सकती हैं, वहां पे जाके आप मुझे पकड़ें, सैटरडे को आ जाएं, लेकिन रेफरेंस के साथ आइएगा। मुझे टॉपिक ना बताएं, जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जो मैंने आज तक यूज किया है आप कर सकती हैं, जिसमें नहीं यूज किया उस पे भी आ जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन स्क्रिप्चरल रेफरेंस के साथ, चाहे वो हदीस हो चाहे कुरान की आयत हो, स्क्रिप्चरल रेफरेंस के साथ आइए, मैं आपके साथ बात करूंगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, अप्रिशिएट।